नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विकास गौड़ और इस समय मैं हूं छर्रा के भमोरी गांव में। तो यहां पे देखिए, एक अच्छी तकनीकी से यहां पे मक्का की बुआई हो रही है। ये है मक्का बोने की मशीन। मशीन लगभग एक दिन में और एक व्यक्ति इसको 10 बीघा तक बो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे इनसे जो इसकी बुआई कर रहे हैं। तो हाँ जी, ये मतलब मशीन कैसे काम करती है, ये इससे क्या क्या हम बो सकते हैं? इससे मटर, धनिया कुछ भी बो सकते हैं। इससे जो इसकी मूंगफली जो कुछ भी है। अच्छा, तो आप इससे एक दिन में कितने बीघा गड़ाई कर देते हो? एक दिन में 10 बीघा। 10 बीघा आसानी से कर देते हो? हाँ। कोई भी दिक्कत नहीं है? हाँ। और ये बताओ, इसमें आप मक्का का जो बीज डाल लियो, कितना किलो डाल लियो एक बीघे में? 1899 है 2 किलो बीघा की, और 9108 है 1 किलो 900 ग्राम बीघा की पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो इस समय कौन सी बुआई कर रहे हो? 1899। अच्छा, तो इसमें जैसे खाद भी डलता है कि केवल बीज? केवल बीज ही बीज डलेगा। तो ये मतलब बीज से बीज की दूरी कितनी है डाल रही है ये? बीज की दूरी है 8 इंची और गली की दूरी है 18 इंची। और इससे हम दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इसको लगभग 10 बीघे गाड़ देते हो आसानी से? हाँ, 10 बीघे गाड़। तो इसका जो अभी तुम्हारा चार्ज क्या चल रहा है इसका? सर 250 रुपये बीघा। 250 रुपये बीघा। हाँ। तो ये चार मशीन आपके पास है? हाँ। तो इस मशीन की क्या कॉस्ट है, कितने की लाए आप? हम लेकर आए थे 17,000 की। 17,000 की? हाँ। तो भाई मशीन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये पीछे रोलर है? हाँ। ये रोलर इसको बीज को दबा देता है? बीज को दबा। तो किसान भाइयों, ये इस मशीन से 10 बीघे की आसानी से बुआई कर देते हैं जैसे कि ये बता रहे हैं, और लगभग 250 रुपये बीघे हिसाब से ये गाड़ रहे हैं। तो आसानी से अच्छा खासा ये मुनाफा कर लेते हैं। लेकिन इससे कोई भी आदमी थकान तो नहीं होती भाई? ना, इतनी थकान ना होती है, आराम आराम से चलाते हैं एक आदमी। अच्छा, 10 बीघा गाड़। तो लगभग ये इनकी मशीन भी काफी महंगी है। तो अभी देखो, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे चला रहे हैं, ये भी चला के दिखाएंगे। इससे पहले अभी आपको मशीन में दिखा दें बीज कहाँ पे इसमें। तो देखिए भैया, देखो भाई, इधर ये बॉक्स भर जाता है, इसमें कितने किलो आता है बीज? इसमें 2 किलो। 2 किलो इसमें बीज आता है। और लगभग ये देखिए, ये इसकी दूरी है 8 इंची की, लगभग यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 इंची। तो ये जैसे गिरती है जब खुल जाती है, ये ऐसे इस तरह चिमटी खुल जाती है, बीज निकल जाता है इसमें से, फिर ये दोबारा दब जाती है। तो इस तरीके से मतलब ये मशीन काम करती है। अब ये चला के दिखाएंगे आपको। और दिखा भाई रोलर, दिखा पीछे, ये देखो ये रोलर, ये क्या है कि बीज जैसे यहाँ गिरता है, ये बिल्कुल दबाते हुए जाते हैं इस रोलर से, और बीज यहाँ पे दब जाता है और फिर आसानी से ये अच्छा काम करती है। तो अब ये चला के दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये देखिए किसान भाइयों, इस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हो, और एक आदमी इसको आसानी से चला रहा है, ना कोई दिक्कत है। और देखिए, जैसी इसकी जो पत्तियां हैं, चिमटी है, वो नीचे की तरफ जाती है तो तुरंत वो खुल जाती है और बीज वहां पर गिर जाता है। तो आप आसानी से देख सकते हो, काफ़ी आसानी से यहां पर ये काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ये जानकारी भी आपको दे दें चलते में, क्योंकि हम इधर घूम जा रहे थे तो ये यहाँ पर बुआई हो रही थी। तो मैंने सोचा लाओ चलो एक वीडियो इनकी भी बना देते हैं और आपके लिए ये नई चीज़ दिखा देते हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों ने ये पहली बार भी देखी होगी, काफ़ी किसान भाइयों ने ये पहले भी देखी होगी। तो कमेंट में जरूर बताना, और जानकारी हमने ये कैसी दी है आपके लिए ये भी जरूर बताना। तो किसान भाइयों, इस तरीके से मक्के की बुआई यहाँ पे हो रही है। पहले काफ़ी लोग हाथ से करते हैं, कुछ अलग मशीन से करते हैं, ट्रैक्टर वाली से, ये आसानी से कर सकते हैं। छोटे किसान के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो आराम से अपनी खेती की बुआई कर सकता है। तो और किसान भाइयों, हम नई नई जानकारी लाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए ऐसी और अच्छी जानकारी हम लेके आएंगे। और आप क्या जानते हो इस चीज़ के बारे में, वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। यानी इसके बारे में अगर आपने पहले ये यूज किया मशीन, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो इसके बारे में जान लेते हैं मशीन कैसे काम कर रही है। तो चलिए आइए देखते हैं। धीरे धीरे चला, तो ये मतलब यहाँ पर टच होगा और ये खुलेगी और दाना गिर जाएगा नीचे, ऐसे ये गिर रहा है। दोबारा चलिए, जैसे ये है यहाँ तक तो कुछ दब जाएगा। अभी एक सेकंड निकाल दिया जाए। अब जैसे ये है ना, ये बिल्कुल बंद है, लेकिन ये रोलर यहाँ पे धीरे धीरे लाइयो, ये रोलर दबा और ये खुला और नीचे दाना गिरा। तो ये तकनीक है भैया इसमें, और ये रोलर है, इस दाने को दबाता हुआ आएगा जो कि दाना नीचे दब जाएगा और आसानी से जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये है भैया, कीमत तो बहुत है लेकिन काम भी बढ़िया कर रही है मशीन। और इसमें और देखो, ये है भैया मक्का, ये पाइनियर की मक्का है 1899, जो कि इस समय बुआई हो रही है इसकी। पाइनियर की 4 kg का पैकेट है। और ये है मशीन। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ यार। नाम मुशर्रफ। मुशर्रफ नाम है? हाँ। तो गांव का नाम क्या आपका? गांव का भमोरी गुजरू छर्रा। अच्छा, वो आपका नाम है मुशर्रफ और गांव भमोरी छर्रा। हाँ। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये जानकारी दी, और वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।